हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पहले भी बनाते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है और डिजिट को बड़ा कर दिया है। ठीक है, जिससे आपको देख के घबराना नहीं है। बार बार हम लोग हर टाइप का, जितना भी टाइप का एनटीपीसी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, सारा क्वेश्चन को इसमें एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन को बनाने के पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और स्वयं इसको पहले सबसे पहले आपको बना लेना है। चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को तीन भाषाओं, कितना भाषा, तीन भाषा, कौन कौन सा, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। ठीक है, तीन भाषा है, एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, ठीक है, 2400 को क्या आती है, अंग्रेजी आती है। इस तरह से ले लेना है, यदि इंग्लिश कितना के आता है, अंग्रेजी कितना के आता है, तो 2400, समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे इसी तरह से देखिए, 700 को तेलुगु आती है। ठीक है, 700 को तेलुगु, जो पहले से आप बनाते आ रहे उसी तरीका से हम लोग बना रहे हैं, कितना को, तो 700 को तेलुगु, समझ रहे होंगे। तेलुगु, 800 को हिंदी आती है, इसी तरह से 800 को कितना, हिंदी, समझिए आसानी से बनाते आ रहे हैं, 800 को हिंदी आती है। ठीक है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, अंग्रेजी और तेलुगु कितना को, तो 1000, इसके ऊपर कितना लिखेगी, यहाँ बगल में कितना लिख दीजिएगा, 1000, दोनों के बीच में अंग्रेजी और तेलुगु, पहले से भी आप देखते आ रहे हैं। 500 को अंग्रेजी और हिंदी, 500 को अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ पे होगा 500 को अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, आगे इसी तरह से देखते हैं, 300 को तेलुगु और हिंदी, 300 को तेलुगु और हिंदी, तो 300 को तेलुगु और हिंदी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे इसी तरह से पढ़ते हैं, आती है, तथा 100 को केवल तीनों, तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती है, तो तीनों के कॉमन पार्ट यहां हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस तरीका से अब तो क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन को जैसे पहले बनाते थे उसी तरीका से बनाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, अब समझिएगा, 1000 को अंग्रेजी और क्या आती है, तेलुगु, तो 1000 में से 100 के क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे। ठीक है, तो यहाँ कितना चलाएगा, 900, बारीकी से समझिएगा, यहाँ कितना है, तेलुगु और हिंदी कितना के आता है, 300 को, और 100 यही है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 200, दो और एक 300 हो जाता तेलुगु, समझ रहे हैं ना, तेलुगु और हिंदी जानने वाला। इसी तरह 900 में 100 अगर जोड़ दीजिएगा तो 1000 अंग्रेजी और तेलुगु जानने वाले, सेम वही है। ठीक है, अब इस 500 में से कितना, 100 अगर माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ कितना चलाएगा, 400, और 4 एक 500 जोड़िएगा तो अंग्रेजी और हिंदी जानने वाले दोनों, ये दो गो हो गया, ये तो कई तीनों भाषा जानते हैं, तो सिर्फ दो भाषा जानने वाला कौन, कितना के हो जाएगा, 400। ठीक है, आगे इसी तरह से अब क्वेश्चन के ऊपर पूछता है आपसे, फर्स्ट नंबर पूछा है क्वेश्चन, कितने को केवल हिंदी आती है। ठीक, केवल हिंदी, सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो हिंदी जानते हैं तो करना क्या होगा आपको, 400, एक 500, 5 और 2 कितना हो गया, 700, 800 में से 700 आपको क्या करना है, माइनस कीजिएगा, कितना चलाएगा, 700 माइनस कर दीजिएगा तो चलाएगा 100, इस तरह से डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 100। ठीक है, तो केवल हिंदी, हिंदी को कितने को केवल हिंदी आती है, तो कितनों को, 100 को, आंसर हम लोग के क्या होगा, सी, आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कितने को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। अब देखिए कितना दूर से, तीनों में से कोई भी भाषा नहीं आती है, यानी सबसे पहले अब सबको निकालना होगा टोटल के जितना दे दिया है। ठीक है, और जितना भी भाषा दिया गया उसमें से टोटल कितना दिया गया था, 2400, उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, कि कितने लोग को भाषा नहीं आता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, तो सिर्फ हम लोग के तेलुगु जानने वाले के जिस तरह से हिंदी जानने वाले के संख्या कितना हुआ, 100। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि सिर्फ तेलुगु जानने वाले की संख्या कितनी है,
कितने लोग हैं ऐसे कि जो तेलुगु भाषा जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तेलुगु के टोटल हम लोग के कितना दे दिया था 700, ठीक है, सॉरी 1700 है, तेलुगु जानने वाले टोटल के संख्या कितना था 1700, ठीक है, यहाँ 1700 है, केवल तेलुगु कितने लोगों को आती है देख लीजिएगा फिर से 1700, अब 1700 जानते हैं तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, 900 100 कितना 1000 1200, इसमें से 1700 में से माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलेगा 500, समझ रहे होंगे। इसी तरह से अब देखिए, केवल आपसे पूछता कि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या कितनी है, तब कितना निकालते 900 1000 और ये कितना हो जाता 1400, ठीक है, और तो ये माइनस कर देते तो कितना चलाता हम लोग के 1000, ठीक है, 14 10 कितना हो जाएगा 1000 2400, ठीक है। अब देखिए जो पूछा ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन, कितने को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। अब देखिए टोटल के आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड जब कीजिएगा तो इतना के टोटल के ऐड करते तो हम लोग के 2400 चलाता, समझ रहे होंगे, इस सब के जब ऐड कीजिएगा तो 2400, और 2400 ही आ गया, 24 2 कितना 24 5 कितना हो जाएगा 29 29 3 कितना हो जाएगा 2 31 31 32, और 3200 में से माइनस कीजिएगा तब 3200 तैयार कितना आ जाएगा 0, यानी कि सिर्फ जो हो जाएगा कितने को हिंदी, कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, तो उसका संख्या क्या निकल जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। बोले कि इसको ऐड किए तो कितना चला आया 3200, ठीक है, और टोटल यहाँ भी विद्यार्थी स्टूडेंट के संख्या कितना दिया गया है 3200, तक कितना चलाएगा 0, यही बोल रहे थे कि कितना चलाएगा 0। आगे देखते हैं, कितने को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, तीनों में से केवल एक भाषा, एक भाषा केवल एक भाषा, तक केवल एक भाषा का दिया था कितना 1000, है ना, फिर कितना हो जाएगा 1100, और 500 कितना हो जाएगा 1600, यानी आंसर हम लोग के क्या आएगा ए। इस तरीका से हम लोग देखें कि आसानी से बना लिए, कल हम लोग सीखेंगे कि कम से कम जो क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूज और आपसे पूछता है जो नहीं बनता है, कम से कम अच्छा उसके टॉपिक पर हम लोग कल ये डिस्कस करेंगे, जो आप जहाँ पे फंसते होंगे, ठीक है, वहाँ केवल पूछता है, कोई में कम से कम पूछता है, इसके लिए हम लोग फिर सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे।